कबीर उमैद कहे रोही भला एक रत्ती
सोच का मोहताज है। बाबा कबीर जी ने भी बहुत थावे अपनी रचना तो ये जम लफज वरते हैं। कहते बड़ा प्रचलित है कि इनके अर्थ भी असी बड़े आसानी नाल कीते हुए ने। असी समझने हैं कि जम की ये मौत दा फरिश्ता मौत दा मैसेज लेके आने वाला जदों मौत का मैसेज लेके आता है उस मैसेज को कोई टाल नहीं सकता। मौत का फरिश्ता पर इनके मुकाबलतन नाल जुड़वे कुछ लफज सानू और कुछ सोचने लिए मजबूर कर दे। हमने बाबा कबीर जी का एक लफज आया है कई है
बौद्ध पुस्तक मनुख जेड़ा है इनके सामने एक चूहा है मौत एक बिल्ली मानस बपड़ा मूसा की बिलोपा चूहा बना देता मौत बिल्ली है मीच बलैया खाई है बिल्ली पर जो मुकाबलतन कुछ गुरबाणी के होर लफज असी सामने रखिए एक थां ते एक शब्द गुरबाणी ने कहा है पंछियां जिहड़े दरखत दीआं टहनियां ते सुत्ते जां अवेसले पए ने चपट मारदा ते खा जांदा है पर जिहड़ा तोता पिंजरे विच है उहदे दुआले पिआ फिरदा है उहदा वस नहीं चलदा भी पिंजरे विच पए हुए तोते नूं भी खा लवे की बिगाड़ सकता है जिहड़ा पिंजरे विच बैठा गुरबाणी ने एक होर थां ते भी लफज वरते ने सोआ पिंजर इत्थे भी सोआ दा मतलब सोटा तोता सोआ पिंजर नहीं खाए बिलास तोता पिंजरे विच होवे बिल्ला नहीं खा सकता शब्द की इस लाइन विच भी ये लफज है तू पिंजर हूं सोटा तोड़ जम मजार मजार कहने बिल्ले जम मजार कहां करे मोर मौत दा बिल्ला जम मेरा की बिगाड़ सकता है कहां करे मोर मेरे सामने की करेगा क्यों तक मैं पिंजरे में चल सुरक्षित सदगुरु ने बाणी अंदर एक थां ते नहीं अनेक थां ते आखिया कह लगे जेड़े भगत जन ने उन्होंने भी जम कुछ नहीं कर सकता बहुत कुछ नहीं कर सकते काल कुछ नहीं कर सकते हालांकि मौत एक शक्ति है अब शाम को बैठे बुजुर्ग नाल भी विचार मिले कि अदेख होंगी शक्ति शक्ति कोई भी हो अदेख होगी जड़ी चीज दिसदी है उन्हें तो मरना गुरु ने बाणी कहता जो दिस है जड़ी चीज दिसदी है सर पर मरना उन्हें मरना जो दिस है सोसर बना से पर उनके बीच एक शक्ति है ये मसला अजकल फिर चल रहा है मैं उस गल को कुदरती इतने आ जाती कि जड़ी चीज दिसदी है वो शक्ति नहीं उनके बीच शक्ति है अगे भी ये लफज आ चुके ने ते साधो ये तन मिथ्या जानो ये दिसदा है
पर या भीतर जो राम बसता है सच होता है पछाणो वो दिसदा नहीं। बुजुर्ग बैठे विचार कर दस मैं कि केडी अजीब गल है, हर शक्ति अधिक है। मैं क्या पता बोलने कार दे डेफिनेशन जो लिखा होता है ये किन्ने हार्स पावर दाइया ने अंदर लिख दिता अपने किन्ने हार्स पावर दाइया ने। हार्स पावर का आखिरी अर्थ तो घोड़िया की शक्ति है, इन्ने घोड़िया का बाल इन ना उनके घोड़े ने सन दिस ना बल दिसदा दिसदा इंजड़ी पर लिख दिता गया। केड़ी अजीब गल है, शक्ति वो जिहड़ी किसी चीज दे विच वरते दिसे ना। हुण वो घोड़िया की शक्ति इंजन विच दिसदी है, इंजन विच वरतदी है, चलाउंदी इंजन नूं पर दिसदी नहीं। शक्ति है ते गुरु ने भी अवगास दिता, कुदरत दिसे है, कुदरत सुनी है, कुदरत बहुत सुख सार दिसदा है, पर उन दे विच सब तेरी कुदरत वाला विच बैठा वो दिसदा नहीं। शक्ति किस मौत भी एक शक्ति है, शक्तिवान भी शक्ति है। केड़ी अजीब गल है, मौत भी दिसदी नहीं, जिंदे ते आने वाली होंगी है उन्होंने भी एक पल पहला नहीं पता होंगे मौत आ रही है। दस भी रिश्तेदार मित्र दोस्त तो फेरे बैठे हो नबज हाथ में फड़ के बैठे हो डॉक्टर ते उन्होंने देखद सारे की मौजूदगी चढ़ाई कर जाए, चढ़ाई कर जाए मौत आ गई लै गई, किसी ने ना आउंदी वेखी ना लै के जाती वेखी, अदेख है शक्ति है। ते शक्ति का मतलब वो ही है जिनके सामने अपना वस ना चले, जिन्नी वड्डी शक्ति उनके सामने उन्ने बेवस हो जाएगा। हुण ये शक्ति क्योंकि शक्तिवान दी है वो वड्डी शक्ति है, उन्हें इसे लिए कह देता है जमन मरना हुक्म है, जमन मरना हुक्म है, पाने आवे जाए। हुण देखना यह है कि मौत ते रब विच की फर्क है, जे इको ही होवे मौत ते रब हालांकि शक्ति वो भी शक्ति है भी शक्ति ये इको ही हो तो फिर रब विच भी मौत होनी चाहिए है। बिल्कुल नहीं, आप रोज पढ़ने ना वो मरता ना हम डरेगा, ना वो बिनस है ना हम करेगा। आप रोज पढ़ने ना वो मरे ना हो शोक। बाबा कबीर जी दे इस शब्द दे अगलियां लाइनां भी नाल संबंधित ने। एक लाइन विच ये गल आख रहे ने बारे बूढ़े तरना भैया सब जम ले जई है, बहुत सारी ते होगी बच्चे दी भी आ सकती बुढ़े ते भी आ सकती है, तरने जवान ते भी आ सकती है। उस दिन शब्द का यह प्रमाण आया सी कि किसान की अपनी खेती है, भावे वह हरी नैन ने डडरी पक्की गुड नहार, लै लै दात पोते लावे कर तैयार, क्या हुआ हुक्म किसान का तालुण मेरे आखे तार। किसी की भी आ सकती, बाबा कबीर जी ने भी बिल्कुल यो गल आखी बारे बूढ़े तरने भैया सब हूं जम लै जाइया, मानस बपरा मूसा किन्नू
मीच बलैया ठीक है, पर अगली लाइन पर उन्हें साडे सामने एक सवाल खड़ा कर दिता। तो कहते हर के सेवक जिहड़े हरी नूं चंगे लगे ने, जिन्हां दा रब नाल प्यार है, उन्हां दी कहानी कहिंदे ने इह नहीं। बारे बूढ़े तरने वाले उन्हां नूं तां जम ले जा सकदा, पर कहिण लगे उन्हां लोकां दी जिहड़े रब नाल संबंध रखदे ने, उन्हां दी इह कहानी नहीं, उह बिल्कुल वक्खरी है। हर के सेवक जो हर पाए दिन की कथा निरारी रे, उन्हां दी कथा की है? वो है वो आवे न जाए न कब उमर, वो आउंदे जांदे ने वो कदे मरते नहीं, क्योंकि रब दे नेड़े ने ना। मैं एक बार की सी केड़ी अजीब गल है, जीवन ते मौत दोनों चीजां रब ने बनाईयां। देख अमृत करता रूपाए, संसार बिल्कुल दोए फल लाए, दोनों चीजां होंदियां बनाईयां होईयां ने, पर केड़ी अजीब गल है उन्हें मौत बना दित्ती है, क्योंकि संसार नू हमेशा ताजा दम, हमेशा नवीन रखना है। इहदे विच पहले पत्ते पत चढ़ाएगी, पहले पत्ते चढ़नगे तो नवीं परंपरा फुटनगी, तो जे पत चढ़ना हो बाहर कितों आवे, बाहर की निशानी तो यो ही है ना कि नवी परंपरा फुटन, नवी टाणियां फुटन, तो नवी टाणियां फुटन जो उन्होंने थान खाली हो, नवे पत्ते ताही पैदा होण जे उहनां लई थां खाली होवे, ते उह थां खाली तां होवे जे पत जड़ा होवे। पत जड़दा ते बाहर दा आपसी गूढ़ा रिश्ता हो गया, पत जड़ाई ओ पत्ते चढ़ गए। मैं पप्पी देखा बड़ी खूबसूरत गल कही, कहने लगे संसार दी कहानी पत जड़दे, कहने लगे रुत फेरी रुत बदली रुत फेरी वन कंबिया, दरखत तेज अंधेरी आई कंबिया, हर चीज ने एव मेरे रब ने कुदरत दे राही आपस में संबंध जोड़ दिता है। तुसी कदे देखो जदों पतझड़ नेड़े आउंदी उदों बड़ियां तेज हवावां चलदियां, बड़ियां तेज हवा क्यों चलदियां ने, क्योंकि पत्ते टाणियां जिन्हां ने पत्तियां नूं जन्म दिता हुंदा है, दरख्त जिन्हां ने पत्तियां नूं जन्म दिता हुंदा है, वह उन्हां नूं त्यागना नहीं चाहुंदियां, उन्हां दे साथ विच उन्हें हरियावल मानी छड़ना नहीं चाहुंदियां। पत्ते पीले पै जाते हैं, पत्ते सुक जाते हैं, पर फिर भी टाणी नहीं छड़ना चाहती, उनके संतान है, उन्हें पैदा किए ने, पर पतझड़ जरूरी है उस वक्त अंधेरियां चल रही ने, ताकि तू नहीं छड़ना चाहती पर तेनू छुड़ा के रहांगा, ता ही इन्हें तो नवे पत्ते हो। गुरु ने बाणी च आखे रुत फेरे दरखत उदास हो गया, मेरी संतान मेरे नालों टुट गई। बाबा फरीद कहिंदा मैं पूछया हे दरखत क्यों उदास है, कहने लगा वेख बाबा बड़ी मुश्किल नाल अपना रस इन्हां विच सिंज सिंज के इन्हां नूं
ਹਰਾ ਭਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਨਦੇ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਣੀ ਲਗਾਨਾ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਢੂੰਡਿਆ ਰਹਿਣ ਕਿਥਾਂ ਨਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਤੇ ਚੜਨਗੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜਨਮੇ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਨਾ ਭਗਤ ਜਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗੀ ਲੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲ ਮਰਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ ਦਿਲ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਓ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਬੂ ਮਰਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰੁਕ ਲੈ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਪੈ ਕੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਫਰਕ ਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰਨੇ ਪਈਆ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਵਸਥਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚੋ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਰਦਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਲਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਂਗੇ ਦੱਸ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀਉ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਉ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਵਨ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀਵ ਮਰੇ ਨਾ ਡੂਬੇ ਤਰੇ। ਜੀਵ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰਿਆ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਡੱਬੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵਿਚਲੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਬੈਠੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਭ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ, ਵੇਖਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕੀ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਚਪਨ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਕੇ ਬਚਪਨ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਜੀਵ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੌਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਸਾਰਕ ਅਡੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਪਦਾ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਮੌਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਜਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਦਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੁਛ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਵ ਕਰੋ ਦਇਆ, ਦੇਵ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੋਇ ਮਾਰਗ ਲਾਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ, ਕੀ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
सिर जे जग भीतर मैं पता लग जाए कि मैं क्यों संसार अंदर सिरजिया गया, मैनू बनाउन दा रब नू की फायदा। जे तू रब प्रति फायदे नू सोचना है ते रब ने भी कभी ये सोचा भी ये मैनू बनाउन दा की फायदा? लगे आ गल्ला सोचन नाल साडा भुलेखा दूर होंदा है। कौन काज सिरजे जग भीतर, किस काम लई मैनू बनाया गया है? जन्म कमल फल पाया, जन्म किवें मिलिया, क्यों मिलिया? गुरु ने बाणी विच आखिया जन्मे का फल क्या देना, जन्मे जन्म का फल की होया, हर चीज मनुख चाहता है ना उनका फायदा की। कहने लगे जन्मे का फल क्या देने, जो हर भगत जे हरी भगति इस जन्म विच नहीं की। गुरु ने बाणी विच आखिया आखिर तन भाई प्राप्त मनुख दे होरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरियावर काज तेरे, किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। फिर जन्मे का फल क्या गणी? हुण जेड़े लोग संसारिक शरीरक दिसन वाली चीज दे तल ते जीउंदे ने ते उसे नूं ही रब बनाई बैठे ने, कहिंदे ने ओह जरूर मरनगे। ओह है तन, तन दिसदा ते शरीर समझदे ने दिसन वाली चीज नूं रब बनाओ ओह जरूर मरनगे। ओह बचपन भी भोगदा है, जवानी भी भोगता है, बुढ़ेपा भी आता है, मौत भी आती है, बारे बूढ़े तरले भैया सब कुछ जम ले जाइए। हुण जिहड़े हर के भगत का मसला है, जे असीं सोचिए कि हर के भगत का अर्थ की, तो बड़ा स्पष्ट है। जे वह मरते नहीं तो शरीर करके थोड़ा नहीं, भाई दया सिंह की आखो रब गुरु चंगा नहीं लगा, वह छड़ दे, मेरी जबानी इजाजत नहीं दिंदी कि असीं आखांगे गुरु रब नूं चंगा नहीं लगे, शरीर तो गुरु का भी साढ़े विच नहीं, ये तो नहीं ना आख्या जा सकता कि गुरु रब नूं चंगा नहीं लगता, गुरु नानक रब नूं चंगा नहीं लगे, गुरु अर्जुन साहब रब नूं यह नहीं कहा जा सकता, शरीर तो उन्होंने भी साढ़े विच नहीं, क्योंकि शरीर अपनी थां है, जीव अपनी थां ते। इसे नहीं बाणी का संबंध भी जीव न रख दिता गुरु ने, यह बाणी जो जीव जाने, बाणी ने गुरु ने जीव विच जाने, वो मरता नहीं। ते कहन लगे भक्त जन जेड़े ने वो तन की सतह ते नहीं जीवदे, वो जीव की सतह ते, वो कहते ने तन ने तो चला ही जाना। हुण लफजाब जी ने सुने जिथे आख्या चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं खोए। इन्हें चले जाने, मैनू इहदी सत्ता ते इहदे लई जीवन दा फायदा नहीं, फिर तां गरीब मौत आ। जे मैं इसे नूं रब समझ के इहदे लई जीऊंगा ते फिर मौत जरूर आएगी, पर मैं संसार की सत्ता तों दृष्टन वाली चीज की सतह तो उच्चा उच्चा उठा जीव विच जावा, जिस जीव का रब नाल संबंध है, आत्मा का रब नाल संबंध है। जेड़ा जीव मरदा नहीं वो उस परमात्मा, जेड़ा मरदा नहीं वह भी नहीं मरदा, वह भी नहीं मरदा। इसलिए लफ़ज़ आ गया ना वो बिन मरता ना हम डरिया, ना वो बिन सह ना हम कड़िया। मेरा तो अगे जाके लफ़ज़ आया जियो हमारा जियो देन हारा, क्योंकि वह भी नहीं मरता तो मेरा जीव भी नहीं मरता। ये दो चीजों का सुमेल है। कह लगे जिस दिन तू तन की सतह तो उठ के जीव की सतह से जीवन लगेगा ना, फिर विश्वास कर तू मरेगा नहीं, फिर ये ठेगा जिहड़ा जमदा मौत दा, जिंदे सामने दुनिया बेवस हो जाती है, जिंदे लिए दुखी हो रही है, मैनू ये मौत दा ठेडे तो मैं बच जा। ये मौत जिदों जी मौत दा लफ्ज मरते हैं तो केसां दा लफ्ज मरते हैं, केस भी शरीर का हिस्सा है, जो जन आए केस क्या पकड़े ता दिन कच ना बसाए। इसलिए गुरु दे समझाने का
मकसद है। कहते जम का ठेगा बुरा है, ये नहीं सहया जाए। ये जिहड़ा मौत का फरिश्ता है, इनकी पकड़ इन्नी बुरी है, इन्नी सख्त है, इन्नी शक्तिशाली है कि ये हर आदमी इनके सामने हाथ खड़े कर जाता। पर एक समझ आया इनके तो बचना किमें है। एक दो साधु मोह मिले तिने लिया चल लाए, एक सतगुरु मिलिया जिन्हें मैनू अपने पल्ले ला लिया, मैनू ज्ञान दे, मैनू अपनी सोच दे, अपने विचार दे पल्ले लाया। मैनू दस दिता कि तू शरीर की सतह ते ना जी, इतने ठेगा बुरा बजेगा। हम अगली लाइन को भी संबंधित है कि लगे ये वेख के शरीर ते मौत आती है, ये बिछड़ता है, जमीन हाथ पाँगा मौत इनके ते आती। कलो एक वैद बोल पिया, अगले लफ्ज बड़े खूबसूरत। हुण वैद का काम की सी, वह भी शरीर का इलाज करता सी। हुण डॉक्टर सारे शरीर का इलाज करते हैं, जीव का इलाज करते कोई नहीं। डॉक्टर को जिन्नी मैडिकल सिस्टम ने मैडिसिन ने सब शरीर के इलाज वास्ते ने, जीव के इलाज वास्ते ने। उन्हें आख्या जे जीव के ठेगे छेड़े वजन तो डरदा है तेन मैं बचा सकना। वैद कहने लगा तेन मैं बचा सकना, तेरे ते मौत ना आवे। हुण अपने वालों ते डॉक्टर इसे सतह ते चल रहे हैं, इसे भी असीं किसे नूं मौत तो किवें बचाउणे। बाबा कबीर जी ने भी उह गल कह दित्ती, कहण लगे कबीर वैद कहे होही भला, कबीर वैद कहे होही भला, मैं किसी का इलाज करके उन्हें मौत तो बचा सकना। अपन कई बार कह दें चंगा सियाने डॉक्टर यार मौत तो बचा ले, मौत तो बचा ले, दारू मेरे वास। पर बाबा कबीर जवाब देंगे ने कहने बोलिया ये जीवन ये शरीर ये तेरे नहीं, ये किसी मालिक ने दिते हो। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰੱਖੇਗਾ? ਇਹ ਸਹਿਬ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਭੀ ਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੈਦ मत तू समझे कि शरीरक तौर पर भी तेरे हाथ में है, तू किसी का इलाज करके जेड़ा पक्का निजम है कि जो आया सो चल सी, जेड़ा पक्का निजम है कि जो दिसे सो सगल बिनासे, मेरे रब का बनाया हुक्म के दिसन वाली हर चीज जाएगी, ये शरीर दिसन वाला है ते तेरा काम शरीर का इलाज करना है। कि ते इन्नी होमे विच ना आ कि मैं किसी को शरीर करके नहीं मरन देंगा, दारू मेरे पास। कह लगे ये जीवन ये तन मन उस मालिक है, जदों की मर्जी होएगी उदों तू उन्हों रख नहीं सकेगा, वो ले जाएगा। गुरु कह
संग इकट्ठा होया, एक नहीं दो नहीं वैदन दा वड़ा वड़ा काफला बोर्ड बह जाए किसी नूं बचाण लई, पर कहन लगे बचदा ओ ही है जिंदी उंदी मर्जी हो गए। वैद नहीं बचा सकदा, डॉक्टर नहीं बचा सकदा। जे वैद डॉक्टर बचा सकते होंगे तो अज इन्ने अलंबर साधन बन गए, थां थां हॉस्पिटल सियाने तो सियाने डॉक्टर बन गए। सब्जेक्ट बड़ा महंगा है, हर कोई पढ़ रहा है, इन्निया मेडिसिन बन गई, फिर भी संसार तो लोग जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उस मालिक का एक नियम बनया होया है कि जिहड़ी चीज दिसदी है उन्हें जा रहा है। इसलिए दिसन वाली चीज रब नहीं, क्योंकि रब जानता नहीं, वो आदि सच, जब आदि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इन्हों शब्दों फिर मदद जा चुका, फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा।